आज हम पाठ सात रानी लक्ष्मीबाई का शब्दार्थ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं। सर्वोपरि, सर्वोपरि सबसे ऊपर। जूझना, संघर्ष करना। नित्य, नित्य मतलब प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। मृत प्राय, मरने जैसी स्थिति। वीरांगना, वीर नारी। आग भड़काना, क्रोध जगाना। आपे से बाहर, बहुत क्रोधित होना। वीर गति पाना, वीरों की तरह मरना। मर्दानी, पुरुष की तरह वीर महिला। अनुभवहीन, जिसे कुछ भी अनुभव ना हो, या ना, यहाँ पर ना है, हाँ है ना, इसे ना हो। कोई भी ऐसे शब्दार्थ आजू बाजू करके नहीं लिखना चाहिए। कोई भी अगर लिखिए, नोट करें, तो एक एक लाइन छोड़कर आप नीचे नीचे लिखते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर। तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, प्रश्नों के उत्तर करेंगे। क, पहला नंबर का क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? वह अपने किन गुणों के कारण प्रसिद्ध थी? तो उनका पूरा नाम बताना है, आखिरकार उनका रियल और पूरा नाम क्या था। तो उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम मणिकर्णिका था। वह अपने धैर्य, साहस और वीरता के कारण प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ख, दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई ने गोद क्यों लिया था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने, लक्ष्मीबाई की स्वयं कोई संतान नहीं थी। स्वयं मतलब उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी, इसके कारण दामोदर राव को गोद लिया था। ग, लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ संघर्ष किस बात पर हुआ? तो उत्तर है, लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ संघर्ष झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने पर हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी झांसी उनको, झांसी राज्य उनका अंग्रेजों की राज्य में मिल जाए, अंग्रेजी राज्य में मिल जाए। किस वीर वेश में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में शामिल हुई थी? तो उत्तर, पुरुष वीर वेश में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में शामिल हुई थी। इसके कारण ही तो उनको अंग्रेज पहचान नहीं पाए और उनको क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई वीरता से युद्ध करती रही, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ तीन ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। क, झांसी के किले पर आज़ादी का झंडा कब फहराया गया? तो कब फहराया गया, 14 जून को। ख, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर सन 1828 को। ग, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? महाराज गंगाधर राव के साथ। तो यहाँ पर टिक करेंगे सभी। ओके, सही शब्द के से खालिस्तान भरी, यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर से आपको चूज करके फील करना है। क, महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह 8-9 वर्ष की उम्र में ब्लैंकसे के साथ हो गया। किनके साथ हो गया? महाराजा गंगाधर राव। तो यहाँ पर आएगा महाराजा गंगाधर राव, नोट करेंगे सभी। क, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर नोट कर देती हूँ। नेक्स्ट है ख, 18 वर्ष की आयु में शासन का सारा बोझ रानी लक्ष्मीबाई के ब्लैंक कंधों पर आ गया। अनुभवहीन, क्योंकि उनके पास कोई अनुभव नहीं था राज्य चलाने का। ग, झांसी की रानी का नाम भारतीय इतिहास में एक ब्लैंक के रूप में बड़े गौरव के साथ दिया जाता है। तो किसके साथ दिया जाता है? वीरांगना के रूप में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। बुद्धिमान रानी ने किले से निकल जाने का निर्णय लिया। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है, मतलब क, रानी ने बालक दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध किया, सही या गलत? तो सही है, तो सही का टिक करेंगे यहाँ पर। ख, रानी लक्ष्मीबाई ने मुगलों से युद्ध किया,
नहीं, किनसे युद्ध किया? अंग्रेजों से, तो यहाँ पर क्या आएगा? गलत। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 11 नवंबर सन 1835 को काशी में मोरोपंत तांबे के यहाँ हुआ था, तो गलत। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 को काशी में मोरोपंत तांबे के यहाँ हुआ था, तो ये रॉन्ग है। राजा गंगाधर राव की मृत्यु युद्ध करते करते हुई थी? राजा गंगाधर राव की मृत्यु युद्ध करते करते नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? वो बहुत चिंतित थे जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, जब रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर के का जो पुत्र हुआ था, उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी, वो बहुत दुखी हो गए। इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, युद्ध करते हुए नहीं हुई थी। तो ये भी आपका क्या आएगा? रोंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लिंग बदलिए। यहाँ पर हमको जेंडर चेंज करना है। जैसे महाराजा का क्या होगा? महारानी। रानी का क्या होगा? राजा। घोड़ा का घोड़ी। पति पत्नी। बालक बालिका। पुरुष नारी या महिला। दोनों में से आप जो भी है, आपको जो याद होता है वो लिख सकते हैं। पुरुष का नारी भी होगा, महिला भी होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।